अब पठार के बारे में बात करेंगे पठार यानी कि प्लेट्यूब तो पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है यानी कि ये उठी तो है लेकिन पॉइंटेड नहीं है पॉइंटेड नहीं है प्लेन है बिल्कुल समतल है पॉइंटेड नहीं है तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है जैसे आप ये देख पा रहे हैं यहाँ नीचे है ये अपना ऊपर है तथा तो इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है जैसे टेबल होती है तो किसी प्रकार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं यानी कि ये पॉइंटेड इस तरीके स्लोप स्लोप होते हैं देखिए स्पीड को सीधा सीधे ढाल है इसके तो पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ सौ मीटर के से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है अब पर्वतों की तरह पठार भी नया पुराने हो सकते हैं भारत में जो दक्कन का पठार है पुराने पठारों में से एक है केनिया तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है और तिब्बत का अगर पठार देखें विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से मीन सी लेवल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है यानी कि 4 से 6 किलोमीटर तक जाता है तो पठार बहुत उपयोगी है क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है और यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है तो अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है भारत के छोटा नागपुर के पठार में लोहा कोयला और मैंगनीज इसके बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं अब जो पठारी क्षेत्र है उसमें जलप्रपात हो सकते हैं यानी कि वाटरफॉल्स हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से नीचे गिरती हैं भारत में छोटा नागपुर पठार पर जो स्वर्णेखा नदी पर स्थित जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल और कर्नाटक में जोग जलप्रपात ये इस प्रकार के जलप्रपातों का ही उदाहरण है अब लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है फर्टाइल होती है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है अब कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर पर्यटक आते हैं और आकर्षित होते